फ्री फायर कह रहा है, हे सर्वाइवर्स, आर यू एक्साइटिंग फॉर न्यू ईयर? यानी न्यू ईयर के लिए आप लोग तैयार हो? यहाँ पे स्टे ट्यून फॉर गिव अवेज, तो यहाँ पे गिव अवे होने वाला है। तो भाई गिव अवे क्या होने वाला है ये तो आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पे नया साल को लेके जो कि गरीना खुद यहाँ पे पोस्ट कर दिया अभी से ही, और यहाँ पे न्यू ईयर इवेंट जो कि भाई नया साल का न्यू ईयर इवेंट क्या होगा, क्या कुछ हमें मिलेगा, ये सारा कुछ आप लोगों को आज का इस वीडियो में पता लगेगा। बहुत ही ओपी सा वीडियो होने वाला है ये वाला, और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता लगेगा बहुत सारा कन्फर्म इवेंट। एक रॉयल आने वाला है जो कि कन्फर्म हो चुका है, और यहाँ पे नेक्स्ट टॉप अप हो गया, और भी काफी सारा इवेंट। और भाई यहाँ पे OV43 के अपडेट के बाद काफी सारा चेंजेस हो रहा है, वो सारा कुछ आप लोग पता लगने वाला है। तो OV43 यानी हमारा न्यू पैच अपडेट से रिलेटेड भी बहुत सारा चेंज निकल के आ चुका है। तो चलो भाई लोग वीडियो को बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चेंजेस होगा हमारा पैच अपडेट के बाद यानी OV43 के अपडेट के बाद, वो है गाइस हमारा बोया पास को लेके। अब बोया पास के अंदर आप लोग को पता ही है बंडल जो होता है भाई, अपग्रेड वाला सिस्टम आप लोग को देखने को मिलता है। अभी आप लोग देखोगे तो जनवरी मंथ पे भी आप लोग को अपग्रेड वाला देखने मिलेगा, आप लोग को लॉक देखने मिलता है, ट्रेलर वाला सिस्टम देखने मिलता है, जिसके अंदर आप लोग को तीन जो कि भाई लेवल देखने मिलता है। सबसे पहले वाला तो आप लोग को मिल जाता है अनलॉक, उसके बाद जो कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी सेकंड थर्ड वाला जो कि आप लोग को टोकन से अपग्रेड करके अनलॉक करना पड़ता है। उसके बाद ही जो कि आप लोग को एनिमेशन मिलता है, इमोट्स मिलता है, इफेक्ट मिलता है, तो वो सब जो कि आप लोग को मिलता है उसके बाद जो कि टोकन से अपग्रेड करना पड़ता है बंडल। लेकिन हमारा फरवरी का बोया पास से होगा क्या, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। फरवरी का मंथ का बोया पास से जो ट्रेलरिंग वाला सिस्टम है वो जो कि रिमूव कर देगा, तो ट्रेलरिंग वाला सिस्टम ही रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे आप लोग को टोकन से अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। यानी बीपी के अंदर से जितने भी बंडल्स होगा वो जो कि पहले से ही मैक्स रहेगा, अनलॉक रहेगा, यानी 3 तक जो कि आप लोग को मिल जाएगा फरवरी का बोया पास से हो जाएगा हमारा। और पैच अपडेट के बाद हम सब आप लोग समझ रहे हो ना, फरवरी का बोया पास से जो बंडल होगा वो पहले से ही मैक्स रहेगा, एनिमेशन इफेक्ट सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा पहले से। टोकन से अपग्रेड करने वाला जो सिस्टम है वो जो कि गरीना हटा देगा, बीपी के अंदर से जो हमें बंडल मिलेगा उसे जो कि टोकन से अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी अपग्रेड आप लोग को मिल जाएगा मैच। जैसे आप लोगों को बंडल मिलेगा तो बंडल का जितने भी रिवॉर्ड्स है वो भी साथ ही साथ मिल जाएगा, और ये जो कि फरवरी मंथ का बोया पास से ही लागू होगा। यानी फरवरी मंथ का बोया पास से ही आप लोगों को जो कि चालू देखने को मिलेगा। जो हमारा जनवरी मंथ का है उसमें आप लोगों को अपग्रेड वाला सिस्टम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फरवरी मंथ के बाद जो कि वो हट जाएगा। तो फरवरी मंथ का तो आप लोगों को मैक्स मिलेगा, फरवरी मंथ के बाद जितने भी आएगा वो जो कि मैक्स। वेंडिंग मशीन में जो कि चेंजेस किया जाएगा, क्लू स्किल कार्ड जो है वो जो कि अब 300 रुपये में मिलेगा, और क्रोनो का जो स्किल है वो 400 में मिलेगा, और टेलीपोर्ट वाला जो गेट है वो जो कि 1200 रुपये में मिलेगा, और UAV हिल वाला जो है 200 में, और हुड फिगर जो है ये भी आप लोग को 200 में मिलेगा वेंडिंग मशीन में। और हुड फिगर का गैस यहाँ पे रेंज डैमेज प्लस में भी किया जाएगा अपडेट के बाद। अपग्रेड चिप्स जो है वो जो कि गैस 400 में मिलता था लेकिन अब जो कि 500 कर दिया है। उसके बाद ग्लू फॉर्मिंग चिप्स जो कि 400 में मिलता था वो भी 500 में कर दिया है। उसके बाद बालो लेवल 3 जो कि 200 में मिलता था अब जो कि 300 कर दिया है। बालो मतलब मेरे को लग रहा है बैकपैक 3, लेवल 3 का बैकपैक, वो जो कि गैस 200 में से 300 कर दिया है। रेंज ऑफ सेकंड सेफ जोन जो कि गाइस 225 मीटर का होता था लेकिन अब जो कि वो 200 मीटर कर दिया है, और सिंक टाइम जो है वो जो 230 सेकंड का होता था वो जो कि अब बढ़ा के 240 सेकंड कर दिया है। सिंक वेस्टिंग टाइम जो कि यहाँ पे 80 होता था लेकिन अब जो कि 60 कर दिया है। उसके बाद जो कि टाइम ऑफ सिंक थर्ड जो जोन है उसका जो कि 75 सेकंड होता था लेकिन अब जो कि 50 कर दिया है। वेटिंग सिंक टाइम जो है 85 से 100 कर दिया है, और यहाँ पे जो कि हमारा फोर्थ सेफ जोन का 55 सेकंड से 40 सेकंड कर दिया है, और वेटिंग टाइम जो है उसे 75 से 90 सेकंड कर दिया है। रेंज ऑफ फर्स्ट सेफ जोन 600 से कर दिया है 550 मीटर। कॉन्ट्रैक्शन जो टाइम है वो जो कि 230 से 240 कर दिया है, वैसे जो कि सेकंड सेफ जोन का भी हाल है। रिमोट रॉयल आने वाला है, तो यहाँ पे इमोट्स जो कि आप लोगों को देखने मिलेगा रॉयल के अंदर, ये वाला जो कि सबसे पहला वाला इमोट आप लोग देख पा रहे हो ये वाला देखने मिलेगा। उसके बाद दूसरा इमोट है वो जो कि भाई ये दिल तोड़ने वाला इमोट आप लोगों को देखने मिलेगा, और यहाँ पे फिर से ये जो कि 4 इमोट जो है ये आने वाला है इमोट रॉयल के अंदर, और ये इमोट रॉयल जो है ये कन्फर्म हो चुका है। तो कितना तारीख को आएगा ये जो कि गाइस 8 जनवरी को आने वाला है, 8 जनवरी को जो कि ये रॉयल देखने मिलेगा, 8 जनवरी को ये रॉयल कन्फर्म हो चुका है, तो आप लोगों को रॉयल के अंदर देखने मिलेगा, जिसमें आप लोग देख पा रहे हो ये सिर्फ 4 इमोट्स ही होने वाला है। नेक्स्ट टॉप अप हमारा कन्फर्म हो चुका है, तो नेक्स्ट टॉप अप के अंदर आप लोगों को ये ग्लोबल का स्किन देखने मिलेगा, और इसके साथ ही साथ और भी रिवॉर्ड्स देखने मिलेगा। तो सबसे पहले जो ये वाला आप लोग देख पा रहे हो ग्लोबल का स्किन, तो ग्लोबल का स्किन आप लोग देख पा रहे हो, तो ग्लोबल का स्किन में कोई भी एनिमेशन नहीं है लेकिन टाइगर के थीम के ऊपर बनाया गया भाई देख पाओ। और ये ग्लोबल स्किन जो है भाई ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इवो हॉट पेकर जो है उसके थीम के ऊपर है। तो ग्लोबल वही भी देखा जाए तो भाई उतना कुछ हमास नहीं है, लेकिन हाँ 100 डायमंड के टॉप अप में मिलेगा। उसके बाद जो कि यही देख पा रहे हो भाई जो हमारा हॉट पेकर है उसका ही ये वाला लूट बॉक्स, जो कि भाई यहाँ पे 300 का डायमंड टॉप अप पे मिलेगा। और यहाँ पे एक जो कि फेस पेन जो कि आई पे लगाने वाला, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 500
डायमंड टॉपअप पे दिया जा रहा है, जो भाई मैं तो बोलूँगा कोई भी इसमें भी इफेक्ट एनिमेशन नहीं है। उसके बाद जो कि अगर देखा जाए तो लास्ट में जो कि 700 डायमंड टॉपअप पे जो कि ये वाला बंडल मिलेगा भाई, देख पा रो। तो मेरे अगर देखा जाए तो भाई ये तो टॉपअप मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। पर ये जो कि हुड पिकर के थीम के ऊपर है भाई, लेकिन नेक्स्ट टॉपअप जो कि हमारा यही है। हुड पिकर की बात आई गई तो आप लोग जो कि हुड पिकर जो है वो जो कि 2 जनवरी को देखने मिलेगा, यानी 2 तारीख को जो कि आप लोग को देखने मिलेगा ईवो फोलेट के अंदर। तो ईवो फोलेट के अंदर जो कि आप लोग को ईवो हुड पिकर भी देखने मिलेगा, उसी के साथ साथ जो कि आप लोग को देखने मिलेगा ईवो जो स्कॉर्पियन वाला 2.0 M1014 है वो रिटर्न में। तो भाई आप लोग देख पा रहे हो ये जो कि रिटर्न में भी आने वाला है और न्यू हुड पिकर भी आप लोग को देखने मिलेगा और जो कि ईवो फोलेट इवेंट के अंदर 2 तारीख को आएगा। मेरे से एक कॉमेंट पूछा जाता है रिसोल भाई कौन सा M1887 जो अब रिटर्न में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग काफी सारा पूछते हो कि कौन सा आएगा, तो देखो गाइस एक जो कि M1887 रिटर्न में आएगा वो निकल के आया गाइस रैपर अंडरवर्ल्ड वाला, जो भी आप लोग देख पा रहे हो M1887 का स्किन। और ये जो है भाई काफी सारा सर्वर पे आने वाला है, इंडोनेशिया सर्वर हो गया ये, काफी सारा सर्वर पे जो कि रैपर अंडरवर्ल्ड का एक वेव वेन आने वाला है 1 जनवरी को ही आएगा, जो कि कंफर्म हो चुका है काफी सारा सर्वर पे। तो यही रिटर्न में आ सकता है अभी के लिए, और कोई M1887 का तो रिटर्न के लिए नहीं निकल के आया। वैसे ईवो गन जो है M1887 का वो तो रिटर्न में आ गया है अभी भी है। भाई गरीना न्यू ईयर को लेके यहाँ पे आज जो कि ये वाला पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया है आर यू एक्साइटिंग फॉर न्यू ईयर, न्यू ईयर के लिए क्या आप लोग तैयार हो। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो न्यू ईयर स्टेड्यून फॉर अ स्पेशल लिमिटेड गिव वे होने वाला है। अब न्यू ईयर स्पेशल जो कि गिव वे कर रहा है, तो भाई ये जो गिव वे है ये आप लोगों को 1 तारीख को ही देखने मिलेगा, 1 तारीख को ही देखने मिलेगा कि गिव वे हमें क्या दिया जा रहा है और क्या मिलेगा। मेरे को लगता है कोई हुडीज मिलेगा जो कि रियल लाइफ में शायद मिलेगा, और जो कि इन गेम भी आप लोगों को काफी सारा स्पेशल रिवॉर्ड्स गिव वे से मिलने वाला है। तो रेडी रहो, और कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दूंगा कि कैसे मिलेगा, इसलिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो यार। उसके बाद जो कि यहाँ पे बात आता है भाई स्पेशल न्यू ईयर स्पेशल इवेंट हमें देखने को मिलेगा कि नहीं। तो न्यू ईयर स्पेशल इवेंट जो कि हर बार देखने को मिलता है, छोटा मोटा हो या फिर बड़ा हो देखने को मिलता है, तो इस बार देखने को मिल सकता है और आप लोगों को रिम्यूअर का इवेंट भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बाकी सारा सर्वे के लिए बैनर भी निकल गया है न्यू ईयर स्पेशल वाला, और यहाँ पे देखते हैं यार हमारा सर्वे के लिए न्यू ईयर स्पेशल इवेंट देखने को मिलता है कि नहीं। कल का वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा, कल का वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेट्स वोट फॉर रिसोल बाय फेस रिवील। फेस रिवील तो भाई फेस रिवील जो है फेस रिवील चाहिए ना। अरे भाई मैं भी फेस रिवील करने वाला हूँ, डोंट वरी भाई सोन, मतलब भाई बस 600 का करवा दो, जितना जल्दी हो सके 600 का करवाओ यार। तो भाई फेस रिवील होगा आपका रिसोल भाई का भी। फर्स्ट व्यू लव यू रिसोल भाई, अरे थैंक यू सो मच, आई एम फर्स्ट व्यूअर। ओके फर्स्ट व्यू भाई, इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करने के लिए आप सभी को दिल से लव यू गाइस, वीडियो को देखने के लिए भी और इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करने के लिए। 2 साल के बाद आज तुमने मेरा कॉमेंट पढ़ा वीडियो में, मुझे बहुत खुशी हुई। अरे यार खुशी तो हुई ना, और 2 साल मतलब भाई हिसाब भी मत बोलो यार, हर किसी का कमेंट लेता हूँ भाई। थैंक यू सो मच भाई वीडियो देने के लिए, अरे थैंक यू मत बोलो, लव यू मेरे भाई। रिसोल भाई OV43 का अपडेट कब आएगा, कंफर्म डेट, लव फ्रॉम बांग्लादेश, अरे लव यू टू मेरी जान। OV43 का जो अपडेट है वो जो कि 20 तारीख को आने वाला है, यानी 20 जनवरी को जो कि आप लोग को OV43 का अपडेट देखने मिलेगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग पसंद आया, चैनल पर नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को लव यू गाइस। मैं मिलता हूँ कल का वीडियो में, तो मिलते हैं यार बहुत ही स्पेशल होने वाला कल का वीडियो।